गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द सिक लायन. ओके, दिस इज द लायन एंड द स्टोरी इज अबाउट द सिक लायन. सिक मीन्स बीमार, बीमार शेर. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टोरी. Okay, so are you ready? So let's start. So once there lived an old lion who was too feeble to hunt for food. एक बार एक शेर था, लायन था, जो बहुत कमज़ोर हो गया था और वो शिकार नहीं कर पाता था. अपने खाने के लिए वो शिकार नहीं कर पाता था. He had to think of other ways to get his food. वो सोचता रहता था कि मैं किसी तरीके से, अलग तरीके से मैं अपने फूड को कैसे लाऊं. One day he came out of his cave and sat under a tree in the forest. एक दिन वो अपनी केव, केव मीन्स गुफा में से बाहर निकला और एक बहुत बड़े ट्री के नीचे आके वो बैठ गया. द लायन ही न्यू फॉर श्योर दैट मैनी एनिमल्स पास दैट ट्री. उसे पता था कि उस ट्री के सामने से बहुत सारे लोग निकलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स निकलेंगे. द लायन सेट अंडर द ट्री and pretended to be sick. अब वो ट्री के नीचे बैठ गया और ये दिखाने लगा कि मैं बहुत बीमार हूँ. ओह, आई एम सो सिक, आई एम श्योर टू डाई वेरी सून. और वो पेड़ के नीचे बैठ के बोलने लगा, मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा. ओके, सो द स्क्विरल, स्क्विरल मीन्स गिलहरी. ओके, स्क्विरल्स ऑन द ट्री हर्ड द लायन्स सैड वर्ड्स. जो ट्री के ऊपर गिलहरी बैठी थी, वो लायन के, जो लायन बोल रहा था वो सुन रही थी. दे केम डाउन टू हैव अ क्लोज लुक एट द लायन. और वो ट्री के नीचे उतर के आई लायन के पास. The squirrels told all the other animals of the jungles that the lion was very sick and dying. और squirrels सारे जल्दी से और सारे animals के पास गए और उनको ये बताया कि जो lion है वो बीमार हो रहा है और शायद वो मर जाएगा. The animals went to the cave. फिर एनिमल्स लायन की केव के पास आए, गुफा के पास आए. आई एम वेरी फेबल, आई कैन ओनली हैव वन विजिटर एट अ टाइम, ही सेड. उसने कहा लायन ने कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ. फेबल मीन्स कमज़ोर. मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एक करके सब मुझसे मिलने आए. वन डे अ स्क्विरल टुक नट्स एंड ऑन द नेक्स्ट डे अ रैबिट टुक सम ग्रासेस. एक दिन स्क्विरल लायन के लिए नट्स लेके आए एंड नेक्स्ट डे रैबिट उसके लिए ग्रास लेके आया. ग्रास मीन्स घास लेके आया खाने के लिए. द लायन could not eat nuts and grass. Instead, he caught them and ate them. अब जो लायन है वो ग्रास और नट्स तो नहीं खाता, तो उसने क्या करा, उसने स्क्विरल को और रैबिट को जल्दी से पकड़ा और खा लिया. Soon he became strong and healthy. जैसे ही उसने रैबिट और स्क्विरल को खाया,
उसको थोड़ी सी ताकत आई, वो स्ट्रांग बन गया, हेल्दी बन गया. दिस इज द वे, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट माई नीड्स. और उसने कहा वो कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि मैं सबको अपनी केव में बुलाऊं, गुफा में सब मेरे लिए खाना लेके आए और मैं फिर उनको, उन एनिमल्स को खा जाऊं. वन डे अ फॉक्स वेंट टू हिज केव टू आस्क हिम अबाउट हिज हेल्थ. एक दिन वहाँ से फॉक्स उसकी गुफा के पास निकल के गए और उसने लायन से पूछा, हाउ डू यू फील टुडे. उसने लायन से पूछा कि आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसी तबीयत है तुम्हारी. ही आस्क्ड द लायन, ओ माय डियर फॉक्स, आई एम डाइंग, कम क्लोजर सो दैट आई कैन हैव अ लास्ट लुक बिफोर आई डाई, सेड द लायन. लायन ने फॉक्स से कहा कि ओ डियर आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास आओ, मैं लास्ट टाइम तुमको पास से देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ. द फॉक्स हैड वेरी विजिलेंट आइज, विजिलेंट मीन चौकस, एकदम वो चौकस हो गया. एंड ही सॉ सम बोन्स इन द लायंस केव, और उसने क्या देखा, लायन की गुफा में बहुत सारी बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, जो उसने अपने एनिमल्स खाए थे, अपने फॉरेस्ट के एनिमल्स खाए थे उनकी हड्डियाँ वहाँ पड़ी थी, बोन्स पड़ी थी. तो फॉक्स ने कहा, सॉरी आई कांट हेल्प नाउ, सेड द फॉक्स. और उसने कहा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, यू सीम्स टू बी हैविंग गुड मील्स these days. So saying the fox ran away, और वो वहाँ से जल्दी से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खा जाओगे, तुम्हें आज भी अच्छा खाना मिल जाएगा, और वहाँ से वो भाग गया. The fox informed all the animals to keep far away from the lion's cave. और fox ने जितने animals थे forest में सबको जाके बताया कि लायन के पास, उसकी केव के पास बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो सब एनिमल्स को खा रहा है. वो अब एनिमल्स को बुलाता है अपनी केव में और उसको खा जाता है, तो कोई भी उसकी केव के पास नहीं जाए. ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज बी अवेयर ऑफ पीपल हु प्रिटेंड. आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कौन गलत है कौन सही है. ओके, और आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म हुई, तो हम फिर मिलेंगे दोबारा. ओके, वी विल मीट सून, बाय बाय, टेक केयर.